नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीयरिंग की डेफिनेशन और बीयरिंग कितने टाइप्स के हैं वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर को इंटरव्यू में अक्सर बीयरिंग के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि बीयरिंग का यूज मशीन में किस लिए किया जाता है, तो वहां पे हमको शॉर्ट में अच्छे से इसकी डेफिनेशन देनी है कि बियरिंग का यूज मशीन के दो मूविंग पार्ट्स के फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है ताकि वो मशीन अपना डिजायर मोशन पा सके। बियरिंग मशीन के पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो ये है बियरिंग की एक शॉर्ट में डेफिनेशन। उससे अगला क्वेश्चन होता है कि बियरिंग कितने टाइप्स के हैं, तो वहां पे हमको ये नहीं बोलना बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग या फिर टेपर रोलर बियरिंग। हमको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन बियरिंग दो प्रकार के हैं, फ्रिक्शन टाइप बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन टाइप बियरिंग को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग में कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट्स नहीं होता, यही कारण है कि फ्रिक्शन टाइप बियरिंग ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए इनको फ्रिक्शन टाइप बियरिंग बोला जाता है। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग को प्लेन बियरिंग भी कहा जाता है। बुश बियरिंग, सेल्फ अलाइन बुश बियरिंग, ये सभी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बुश बियरिंग के बारे में। बुश बियरिंग कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक ओडी होता है, एक आईडी होता है और जो बाकी भाग है ये सॉलिड मेटल का होता है। इसमें कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट्स नहीं होता। इसके आईडी में शाफ्ट रोटेट करती है और यहाँ पे ऑयल के द्वारा लुब्रिकेशन की जाती है। बुश बियरिंग के लिए ब्रास, ब्रोंज, टेफ्लॉन और सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन का यूज फार्मास्यूटिकल कंपनी में किया जाता है क्योंकि वहां पे मेटल का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि मेटल के पार्टिकल का प्रोडक्ट में मिक्सिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए वहां पे सिलिकॉन का यूज किया जाता है। बुश बियरिंग का यूज स्क्रू कन्वेयर, एजिटेटर की शाफ्ट के एक एंड पे और कंप्रेसर में कनेक्टिंग रोड में इसका यूज किया जाता है। इसकी मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्क्रू कन्वेयर है, यहाँ पे मोटर और गियर बॉक्स के साथ इसको ड्राइव दी गई है, तो इसके इस एंड पे बुश बियरिंग का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बुश बियरिंग है, ये है इसका ओडी और ये है इसका आईडी, तो शाफ्ट इसमें ऐसे इसके बीच में रोटेट करेगी, यहाँ पे इसको इस तरफ से ड्राइव दी जाएगी और ये बुश बियरिंग में ऐसे रोटेट करती है, यानी बुश बियरिंग इसको इस तरफ से गाइड करने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं हम सेल्फ अलाइन बुश बियरिंग में। सेल्फ अलाइन बुश बियरिंग में क्या होता है, अगर हमारी अलाइनमेंट थोड़ी आउट हो तो सेल्फ अलाइन बुश बियरिंग इसको अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो वहां पे हमको अगर हमारी अलाइनमेंट, स्क्रू की अलाइनमेंट थोड़ी बहुत आउट है तो ये जो सेल्फ अलाइन बुश बियरिंग है ये अपने आप उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे बुश बियरिंग यानी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग काम करते हैं। अभी बात करते हैं हम एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग के बारे में। एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें यूज होने वाला रोलिंग एलिमेंट्स रोटेटिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, इसलिए इनको एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग बोला जाता है। ये आगे दो भागों में बांटा है इनको, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। पहले हम बॉल बियरिंग को एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसकी आगे टाइप्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। बॉल बियरिंग में रोटेटिंग एलिमेंट्स के तौर पे बॉल का यूज किया जाता है, ये रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड हैंडल कर लेते हैं। कंपेयर टू रोलर बेयरिंग, ये ज्यादा लोड नहीं ले पाते पर इनको हाई आरपीएम के लिए यूज किया जाता है और स्मॉल लोड के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली पंप्स और स्मॉल मोटर में बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। इनकी आगे टाइप है सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के बारे में। इस बेयरिंग में इनर और आउटर में एक डीप ग्रूव बना होता है जिसमें बॉल रोटेट करती है। 6000, 6200, 6300 सीरीज, इस सीरीज में ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग आते हैं। इन बेयरिंग का यूज हाई स्पीड और रेडियल लोड के लिए किया जाता है। ये बेयरिंग मोस्टली पंप और स्मॉल मोटर में इनका यूज किया जाता है, ये बहुत ही कम नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी बात करते हैं हम डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के बारे में। इस बेयरिंग में इनर और आउटर में दो ग्रूव बने होते हैं जिनमें बॉल रोटेट करती है। डबल रो बेयरिंग सिंगल रो बेयरिंग के कंपेयर में ज्यादा लोड हैंडल कर लेते हैं, पर डबल रो होने के कारण इनकी थिकनेस, जो बेयरिंग की थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है।
इसके बाद बात करते हैं हम सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग के बारे में। सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हमको लगता है कि शाफ्ट की अलाइनमेंट या फिर बियरिंग हाउसिंग परफेक्ट ना हो, तो वहां पे हम सेल्फ अलाइन बियरिंग का यूज करते हैं। इस बियरिंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट हो तो ये बियरिंग अपने आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए सेल्फ अलाइन बियरिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम थ्रस्ट बॉल बियरिंग के बारे में। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का यूज थ्रस्ट लोड के लिए किया जाता है। अगर एंगल ऑफ एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग 45 डिग्री से ज्यादा है तो वो थ्रस्ट बियरिंग में आते हैं। थ्रस्ट बियरिंग का यूज फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेंट्रीफ्यूज में किया जाता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग को हाई रेडियल और एक्सियल लोड के लिए यूज किया जाता है। इस बियरिंग को हाई स्पीड के लिए भी यूज किया जाता है। ये सिंगल रो और डबल रो दोनों सीरीज में आते हैं। तो ये थी बॉल बियरिंग और इनकी टाइप्स। अभी बात करते हैं हम रोलर बियरिंग और इनकी टाइप्स के बारे में। रोलर बियरिंग में रोटेटिंग एलिमेंट्स के तौर पर रोलर का यूज किया जाता है। रोलर का सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण रोलर बियरिंग बॉल बियरिंग से ज्यादा लोड ले पाते हैं। रोलर बियरिंग का यूज रेडियल लोड के लिए किया जाता है। इसका यूज हैवी रोटर वाली मोटर, हैवी साइज पंप और सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में किया जाता है। इनकी आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग के बारे में। सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग का यूज हाई रेडियल लोड के लिए किया जाता है। जहां हमको लगता है कि हमारी शाफ्ट जो है वो हल्की मिस अलाइन है तो वहां पे हम सेल्फ अलाइन बियरिंग का यूज करते हैं। ये बियरिंग अपने अकॉर्डिंग शाफ्ट की जो मिस अलाइन है उसको हैंडल कर लेते हैं। ये बियरिंग सेल्फ अलाइन बियरिंग को हाई आरपीएम के लिए भी यूज किया जाता है। टेपर रोलर बियरिंग रेडियल और एक्सियल लोड के लिए यूज किए जाते हैं। टेपर रोलर बियरिंग का इनर रेस, आउटर रेस और रोलर की शेप टेपर होती है। टेपर रोलर बियरिंग का यूज गेयरबॉक्सेस, व्हील बियरिंग और एग्रीकल्चर मशीनरी में किया जाता है। नीडल बियरिंग में स्मॉल डाया और लॉन्ग लेंथ के सिलेंड्रिकल रोलर का यूज किया जाता है एज ए रोलिंग एलिमेंट्स। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण ये बॉल बियरिंग से ज्यादा लोड हैंडल करते हैं और इनका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और कंप्रेसर में नीडल बियरिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्फेरिकल रोलर बियरिंग के बारे में। स्फेरिकल रोलर बियरिंग की रेडियल और एक्सियल लोड लेने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। ये बियरिंग हाई स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं। ये बियरिंग सेल्फ अलाइन बियरिंग की तरह ही काम करते हैं। अगर थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट हो तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। इनका यूज गियरबॉक्सेस और कन्वेयर में किया जाता है और ये डबल रो सीरीज में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग के बारे में। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का यूज हाई रेडियल लोड के लिए किया जाता है। इसमें यूज होने वाला रोलिंग एलिमेंट्स सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये तीन वेरिएशन में आता है, सिंगल रो, डबल रो और मल्टीपल रो। इसका यूज हैवी साइज रोटर वाली मोटर और हैवी साइज पंप में किया जाता है। तो गाइज ये थी बियरिंग की डेफिनेशन और बियरिंग के टाइप्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।